दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए। और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सृष्टि और आज आपको नींद के सुहाने सफर पर ले जाने के लिए मैं लेकर आई हूं परम पूज्य महान संत भगवान महावीर स्वामी जी के जीवन की एक ऐसी कहानी जो यकीनन आपके जीवन में आत्मविश्वास, सकारात्मकता तथा प्रेम जैसी परम ऊर्जा का संचार करेगी। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। ये कहानी है करुणा के सागर भगवान महावीर स्वामी जी की। कहते हैं कि एक बार महावीर स्वामी जी के गुरु जी ने उन्हें एक ऐसा पाठ याद करने के लिए दे दिया जिसे याद करना असंभव सा था। पाठ को देखते ही गुरुकुल के सभी शिष्य हैरान से हो गए, लेकिन गुरुजी के सामने अब कौन बोल सकता था। इतने कठिन पाठ को महावीर स्वामी जी ने याद किया होगा या नहीं, जानने के लिए सुनते हैं आज की कहानी। लेकिन उससे पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए, थोड़ा और आराम। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं, अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें, सब नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक गले में होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो आपके गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ
शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। दोस्तों, जब जब भी ये धरती अज्ञान के अंधकार की ओर बढ़ने लगती है, तब तब ही इस धरती पर उस परम पिता परमात्मा के नूर से ऐसे कई ज्ञानी महान पुरुषों ने जन्म लिया है, जिन्होंने सृष्टि तथा सृष्टि के लोगों के कल्याण के लिए तथा मानवता की रक्षा के लिए अपना सारा जीवन न्यौछावर कर दिया। वो अपने कर्मों और निस्वार्थ मानव सेवा के चलते संसार के सभी लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने। जैसे आदि गुरु शंकराचार्य जी, संत नामदेव जी, भक्त कबीर जी, गुरु नानक देव जी आदि, इन्हीं महान ज्ञानी संतों में एक थे परम पूज्य महान संत भगवान महावीर स्वामी जी, जिनकी शिक्षाएं आज भी सारे संसार को अंधकार से ज्ञान के प्रकाश मार्ग की ओर चलने के लिए प्रेरित करती है। कहा जाता है कि भगवान महावीर स्वामी जी ने इस धरती पर उस समय जन्म लिया जब ये समाज अज्ञान के घने अंधेरे की ओर बढ़ चुका था। ये वो दौर था जब ये समाज जात पात छुआछूत जैसे अंधकारों से ग्रस्त था। भगवान महावीर स्वामी जी अपने जन्म के साथ ही दिव्य ज्ञान और उस परम पिता परमात्मा का तेज लेकर पैदा हुए थे। जब वो थोड़े बड़े हुए तो उन्हें जीव जंतुओं के प्रति लगाव सा हो गया। वो किसी को भी कष्ट पहुंचाने से बचते थे। इसके अलावा भगवान महावीर स्वामी जी ज्ञान को पाने के लिए सदैव उत्सुक रहते थे। परम सत्य तथा ज्ञान को पाना ही उनके जीवन का मानो उद्देश्य सा बन गया था। समय बदला और भगवान महावीर स्वामी जी का उनके बाल्यकाल में उनके पिता ने शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक गुरुकुल में भेज दिया। अब क्या था, शिष्य को गुरु और प्यासे को कुआं मिल गया था। धीरे धीरे ईश्वर का ऐसा कर्म हुआ कि भगवान महावीर स्वामी जी की शिक्षा आरंभ हो गई। कुछ समय बाद महावीर स्वामी जी भी वहां के वातावरण के अनुसार ढल गए। गुरुकुल के अन्य विद्यार्थी महावीर स्वामी जी से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन गुरुकुल के गुरुजी ने अपने सारे शिष्यों को अपने पास बुलाया और उन्हें एक पाठ याद करने के लिए दे दिया। जाते हुए गुरुजी ने सभी शिष्यों से कहा कि वो पाठ 2 दिन के बाद सबसे सुनेंगे। शिष्यों ने जब वो पाठ देखा तो देखते ही देखते सभी हैरान हो गए, क्योंकि ये पाठ तो बहुत ही अधिक कठिन था। भला केवल 2 दिन में इतना कठिन कार्य करना कहां संभव था।
लेकिन गुरु जी की आज्ञा के आगे भला कोई कैसे बोल सकता था। अब सारे के सारे शिष्य गुरु जी द्वारा दिए गए पाठ को याद करने में व्यस्त होने लगे। सब चाहते थे कि उन्हें गुरु जी द्वारा दिया गया पाठ बिल्कुल तोते की तरह रट जाए, लेकिन ऐसा कैसे होता? कहते हैं कि जिस तरह के बीज हों, फसल भी वैसी ही निकलती है। सभी शिष्य चाहते थे कि वो सारा पाठ याद कर लें, लेकिन वैसे मेहनत करना कोई नहीं चाहता था। ऐसा इसीलिए भी था क्योंकि शिष्यों को गुरुजी द्वारा दिए गए गुरुकुल के अन्य कार्य भी करने थे, और गुरुजी से मिला पाठ भी उनके लिए मानो पानी पर चलने जैसा था। वहीं महावीर स्वामी जी गुरुकुल में गुरुजी द्वारा मिले कार्यों को बड़े ही दिल लगा कर किया करते थे। समय समय पर अपने प्रभु की आराधना भी किया करते थे। इसके अलावा अपने साथियों का उनके कार्यों में हाथ भी बटाया करते थे। शिष्यों को महावीर स्वामी जी से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता ही रहता था। गुरुकुल के बाकी शिष्य अक्सर महावीर से पूछते थे, हमने तुमको कभी चिंतित होते ही नहीं देखा। जैसे गुरुजी ने इतना कठिन पाठ याद करने के लिए दिया है, और तुम हो कि अपना गुरुकुल का सारा कार्य खत्म करने के बाद भी प्रभु की आराधना में इतने शांत मन से कैसे बैठ सकते हो? तुम्हें क्या किसी तरह की किसी चिंता का आभास नहीं होता? इस पर महावीर स्वामी जी उनसे कहते हैं, यदि अपना कार्य सदैव सच्चे हृदय और कड़ी मेहनत से किया जाए तो आपको कभी भी चिंतित होने का समय ही नहीं मिलेगा। गुरुकुल के बाकी शिष्यों को महावीर की ये बात समझ ही नहीं आ रही थी। उन्हें लगा कि महावीर स्वामी ऐसे ही हवा में कुछ भी कह रहे हैं। जब गुरुजी इनसे पाठ सुनेंगे तभी इन्हें पता चलेगा। इसी सोच विचार में बाकी के सभी शिष्य अपना अपना कार्य जल्दी जल्दी समाप्त करके गुरुजी द्वारा दिए गए पाठ याद करने के लिए बैठ गए। वहां महावीर स्वामी जी पूरे मन से शांतिपूर्वक गुरुकुल के गुरुजी द्वारा मिले कार्य को करने में मग्न हो गए। गुरुकुल के बाकी गुरुजन भी महावीर स्वामी जी की लगन और सरलता से बहुत प्रभावित थे। वो हमेशा महावीर स्वामी जी से प्रकृति और जीवन से जुड़े हुए कुछ ना कुछ सवाल पूछा करते थे, जिनका जवाब महावीर स्वामी जी बड़े ही प्रेम और सूझबूझ के साथ देते और अपने गुरुओं की कृपा के पात्र बनते। इस प्रकार गुरुकुल में महावीर जी को अलग ही तरह की प्राथमिकता दी जाती थी, जिसके चलते बाकी शिष्यों से अधिक गुरु जी का ध्यान अब महावीर स्वामी जी पर रहता था। एक बार की बात है,
दूर कहीं ईश्वर की लीलाओं का व्याख्यान हो रहा था। सभी लोग ईश्वर के नाम की सत्संग वर्षा का आनंद ले रहे थे। भगवान महावीर स्वामी जी भी इसी सत्संग वर्षा में बैठे ईश्वर की लीलाओं को सुनते हुए निहाल हो रहे थे। ईश्वर की लीलाओं में उनका तन मन रमसा गया था। इस सत्संग सभा में महावीर स्वामी जी के गुरुकुल के गुरु जी भी आए हुए थे। जैसे ही गुरु जी की नजर घूमी, तभी अचानक उनकी वहां बैठे उनके शिष्य महावीर स्वामी जी पर पड़ी। वो अपने शिष्य को इस ज्ञान की सत्संग वर्षा में पाकर बहुत प्रसन्न हुए। महावीर स्वामी जी ईश्वर की लीलाओं को आंखें बंद किए सुने जा रहे थे, मानो ईश्वर में ही लीन हो गए थे। गुरुजी महावीर जी के पास गए और बड़े प्यार से बोले, महावीर तुम यहां? याद है ना, मैंने तुम्हें कोई पाठ याद करने के लिए दिया है। मैं कल वो पाठ सबसे सुनने वाला हूं। ये सुन महावीर स्वामी जी ने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैंने वो पाठ अच्छे से याद कर लिया है, आप उसकी चिंता ना करें। गुरुजी को महावीर की ये बात सुनकर अचरज हुआ। उन्होंने हैरान होते हुए महावीर से कहा, क्या तुमने वो पाठ याद कर लिया है, वो भी इतनी जल्दी? महावीर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जी गुरुदेव मैंने याद कर लिया है। उसे याद करने के बाद मेरे पास कुछ करने को नहीं था, तो मैंने सोचा यहां ईश्वर की लीलाओं को और संतों के सत्संग को सुना जाए। आप ही कहते हैं ना, जहां से भी ज्ञान मिले समेट लो। गुरुजी को महावीर जी की बातें सुनकर अच्छा तो लग रहा था, लेकिन फिर उन्हें ऐसा लग रहा था कि महावीर कहीं दंड के डर के कारण झूठ तो नहीं बोल रहा। ये सोच गुरुजी ने महावीर से कहा, अच्छा तो चलो फिर सुनाओ, क्या पाठ दिया था मैंने तुम्हें याद करने को? विद्वान बताते हैं कि महावीर जी ने गुरुजी को सारा का सारा पाठ वैसा का वैसा ही सुना दिया जैसे उन्हें याद करने के लिए दिया गया था। जिसे सुनकर गुरुजी प्रसन्न तो थे, लेकिन अचरज में भी थे कि इतना कठिन पाठ महावीर ने इतनी जल्दी याद कैसे कर लिया। गुरुजी से रहा नहीं गया और उन्होंने महावीर से उनके सर पर हाथ रखते हुए कहा, इतना कठिन पाठ तुमने इतनी जल्दी कैसे याद कर लिया महावीर? इस पर महावीर जी ने अपने चेहरे पर मुस्कान को बनाए हुए गुरुजी से कहा, गुरुजी आप ही तो कहा करते हैं ना, किसी भी पाठ को याद करना बिल्कुल भी कठिन नहीं है, आपको बस अपनी इंद्रियों पर काबू पाना आना चाहिए। आप जब भी सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा से
कोई भी कार्य करते हैं तो प्रभु भी उसे पूरा करने में आपकी सहायता करते हैं। और मुझे लगता है गुरुजी कि इस पाठ को याद करने में भी मेरा साथ प्रभु ने खुद दिया है। ईश्वर की लीलाओं से सराबोर गीतों ने पूरे वातावरण को झूमने पर मजबूर कर दिया था। और महावीर जी की ये बात सुनकर गुरु जी ने महावीर जी को गले से लगा लिया। विद्वान बताते हैं कि यही वो समय था जब गुरु जी ने इस बात को पक्का कर दिया था कि महावीर कोई साधारण बालक नहीं है, ये प्रभु का ही रूप है। खैर, समय चक्कर ने अपनी चाल बदली। एक बार की बात है, राजमहल से निकलकर महावीर जी अपने कुछ साथियों और अपने भाई के साथ जंगल में घूम रहे थे। महलों में रहने वालों के लिए जंगल का यह अनुभव नया था। महावीर जी के साथी भी वहां खेल रहे थे और प्रकृति का भी आनंद ले रहे थे और जंगल की हवा में बस बहते ही जा रहे थे। कहीं पक्षियों के चहचहाने की आवाजें, कहीं सुंदर सुंदर तितलियां, कहीं पहाड़ों से गिरता हुआ पानी, कहीं हिरन, कहीं हाथी। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे ये सब महावीर जी का ही स्वागत करने के लिए यहां उपस्थित हैं। महावीर जी और उनके साथी सब रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, बस चलते ही जा रहे थे। कहां जा रहे थे ये भी शायद एक रहस्य था। महावीर जी के कुछ साथी एक नदी के पास बैठे बहते हुए पानी को देख रहे थे। बहती हुई नदी की आवाज को सुनकर बहुत प्रसन्न हो रहे थे। ऐसा लग रहा था इस तरह का अनुभव शायद उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। सभी बहती हुई नदी की आवाज को बिल्कुल शांति से सुन रहे थे और ये अनुमान लगा रहे थे कि नदी उनसे क्या कह रही है। सबने अपने अपने जवाब एक दूसरे को दिए और अब ये एक खेल बन चुका था। सभी एक घोंसले के पास खड़े हो गए और घोंसले में आराम से सोते हुए पंछियों को देख रहे थे। एक लड़का नटखट था, उसने घोंसले में सो रहे पक्षी को हाथ लगाना चाहा तो दूसरे ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, अगर आपको सोता हुआ देखकर कोई जगाएगा तो आपको कैसा लगेगा। नटखट लड़के ने सोए हुए पक्षी के आगे हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए कहा, मुझसे अपराध होने वाला था, मुझे क्षमा कीजिएगा और हो सके तो मेरे गुरु जी को मत बताइएगा। उन्हें ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए आपकी अपनी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें।
हूँ।